यूपी के हमीरपुर ज़िले में आज खाद की किल्लत को लेकर किसानों और पुलिस के बीच मजबूत झड़प हो गई। इसके चलते चौकी इंचार्ज, दो दरोगा सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। किसानों और पुलिसकर्मियों की झड़प की जानकारी मिलते ही जिले के आलाधिकारियों सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुँचकर डेरा जमा दिया है। साथ ही साथ पुलिसकर्मियों की पिटाई करने वाले दो किसानों को गिरफ्तार करने के साथ अन्य की तलाश शुरू कर दी है। बताते चलें, पूरा मामला सरीला तहसील के अंतर्गत आने वाली सहकारी समिति का बताया जा रहा है, जहां आज सुबह से ही सैकड़ों किसानों ने जिले में पहुंची यूरिया खाद को लेने के लिए जमा हो गए और भीड़ लगा ली। भीड़ अधिक होने के चलते कई किसानों को पिछले कई दिनों से खाद नहीं मिल पा रही थी। इसी के चलते किसानों ने समिति के सचिव पर अपने चहेतों को खाद वितरण करने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। किसानों की हंगामा की खबर लगते ही सरीला चौकी इंचार्ज गौरव चौबे और अधीनस्थ पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान किसानों की पुलिसकर्मियों से बहस शुरू हो गई। इसी दौरान किसान रामस्वरूप ने चौकी इंचार्ज के सर पर लाठी से वार कर दिया, ऐसा कहना है पुलिसकर्मियों का। तभी आक्रोशित किसानों ने पुलिसकर्मियों को घेर कर पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद सभी पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर किसी भी तरह किसानों के चंगुल से निकल कर भागे। और ADCO और सचिव ये खाद का वितरण कर रहे हैं, ऐसे में एक व्यक्ति जो दबंग प्रवृत्ति का है और आपराधिक प्रवृत्ति का है और उसके विरुद्ध पूर्व से ही गैंगस्टर के मुकदमे हैं, और वो आ करके और उसने उपद्रव किया और चौकी इंचार्ज ने रोका तो उसमें उनको चोट लग गई है। क्यों सब कोई हमारा वितरण सुचारू रूप से चल रहा है, सीओ साहब और हम दोनों मौके पर सुचारू रूप से चल रहा था। जो चौकी प्रभारी है उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, तो अखिलेश राजपूत नाम का एक पहले से उस पर कई मुकदमे हैं, तो यहाँ पर उपद्रव टाइप का लोगों को भड़का रहा था, ऐसा उपद्रव चल रहा था, तो इन्होंने उसको किनारे करना चाहा। जैसे इन्होंने किनारे करना चाहा तो उसके पिताजी जो हैं रामस्वरूप, उन्होंने लाठी से इनके सिर पे एक वार कर दिया, जिससे इनके सिर पे चोट आ गई है। कटीली लाठी थी तो चोट आ गई है। फिलहाल हमने रामस्वरूप को पकड़ लिया है। खाद वितरण सुचारू रूप से चल रहा है और उसकी तलाश की जा रही है, और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। इस संबंध में अवगत कराना है कि साधन सहकारी समिति जो कि सरीला में है, वहाँ पर खाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा था और खाद वितरण जो है नियमानुसार किया जा रहा था। वहाँ पर पुलिस की ड्यूटी भी लगी थी और जो SI गौरव चौबे जो वहाँ के चौकी प्रभारी सरीला चौकी के हैं, वह वहाँ पर मौके पर मौजूद थे, और वहीं पर जो है अखिलेश राजपूत पुत्र रामाश्रय भी उपस्थित था। इसका आपराधिक इतिहास है। इसने वहाँ पर खाद वितरण के कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की और लोगों को इसने भड़काया, जिस पर SI को इसको समझाया बुझाया गया, लेकिन जब ये नहीं माना तो इसको जब ले जाने की कोशिश करी तो इसका पिता जो रामाश्रय था वहाँ पर मौजूद था, उसने अचानक जो है चौकी प्रभारी सरीला जो गौरव चौबे उनके पर लाठी से हमला बोल दिया। इनके गौरव चौबे के जो है सर में चोट आई है, वो उपचारत हैं। इसमें कोई भी अन्य पुलिसकर्मी घायल नहीं है, केवल गौरव चौबे के सर में चोट आई है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जिसमें जो है सरकारी काम में बाधा और हमला लेने करने का जो है जो अभियोग पंजीकृत किया गया है, और अभियुक्त की एक अभियुक्त रामेश्वरय की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है, टीमों का गठन कर लिया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।